लड़के कहते बस की कहते ने बस चलती होनी चाहिए जिदा की मर्जी हो। सबसे पहले उसे फूल लाजमी दे, मैं उनको गजरे दे, वो बड़ी जल्दी इंप्रेस होती है। और हमने ये चीज़ आजमाई। ये बताएं कि लड़कियां ज़्यादा नखरे करती हैं या लड़के? लड़के नखरे करती हैं, हम लड़कियां, हमें पता है लड़कियां नखरे करती हैं। लड़के तो बेचारे पास से गुजर के 10 दफ़ा देखते हैं, हम फिर देखते हैं अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा तो रिजेक्ट कर देते हैं, अच्छा लगता है तो फिर बार बार उसे ऐसे ऐसे करके देखते हैं कि वो वापस आएगा। ऐसे करके अगर अच्छा लगे तो हम बार बार देखते हैं उसकी तरफ, वो फिर आ जाता है। अगर बुरा लगे तो हम देख के ऐसे कर देते हैं, बस वो चला जाता है फिर। नहीं, लड़कों को कहना है कि लड़कियां ज़्यादा नखरे करती हैं, लड़कियां कहती हैं कि लड़के करते हैं, तो लेकिन आपने कहा है कि नहीं लड़कियां ही करती हैं। लड़कों के पास नखरे करने के लिए कुछ है नहीं, वो तो बस सारे एक जैसे लगते हैं। ज़्यादा तैयार होकर भी वही है, थोड़ा तैयार होकर भी वही है। ठीक है, लड़कियाँ तैयार होकर बदल जाती हैं और नखरे करती हैं, क्योंकि लड़कियों ने ज़िंदगी गुजारनी होती है। वो देखती हैं कि कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है, कौन सा उससे ज़्यादा प्यारा लगता है, तो वो नखरे करती हैं लड़कियाँ। लड़के कहते बस की कहते ना बस चलती होनी चाहिए जिदा की मर्जी होवे। भाई इतना नॉलेज कहाँ से आपको? हम ज़्यादा मतलब के समझ लें 22-23 साल के हो गए हैं, हमने यही देखा यूनिवर्सिटी में, ज़्यादातर यही चलता है। और लाहौर यूनिवर्सिटी है, उसमें यही चलता है सारा कुछ। हम सारा दिन यही देखते रहते हैं कपल्स क्या कर रहे हैं, कौन सी लड़की कैसे लड़के को देख रही है और लड़के कैसे देख रहे हैं, इसलिए हमें नॉलेज आ गया रह रह के उनके साथ। बताएं कि जो हॉस्टल, वो जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है वो कैसी लाइफ होती है? बहुत सी लड़कियाँ ऐसी जो यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती, तो आप उन्हें बताएँ कि ये जो यूनिवर्सिटी की लाइफ है वो कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है। बेसिक आपको ज़िंदगी गुजारने का पता चल जाता है कि लोग कैसे कैसे लोग हैं। यूनिवर्सिटी में हर तरह के लोग आए होते हैं, बहुत बहुत दूर से आए होते हैं। जैसे हमारी लाहौर वाली है, वहाँ पे बाहर से आउट ऑफ कंट्री बहुत से स्टूडेंट्स हैं, और हमें पता चलता है कि ना लोग किस तरह रहते हैं, वो किस तरह आपको जज करते हैं या उनकी क्या माइंड में चल रहा होता है। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी में आकर पता चलती हैं, और आना चाहिए, सबको आना चाहिए। एक तरफ आपको डिग्री मिलती है, दूसरी तरफ आपको ज़िंदगी गुजारने के जो है ना वो बहुत सारे मेथड्स और चीज़ें पता चलती हैं कि कहाँ पर आके आपने किस तरह बनना है और किस तरह लोगों को डील करना है। ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सिटी सिखाती है। अच्छा, मुझे कोई सबसे जो अनोखा नखरा होता है ना लड़की का, वो बताएं। लड़की का अनोखा नखरा? नखरा एटीट्यूड दिखाना, उसकी खूबसूरती को लेके, ब्यूटी को लेके, कि मैं बड़ी प्यारी हूँ, सबसे ज़्यादा प्यारी मैं आई हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत दुनिया में लड़की है ही नहीं ना। तो ये सब लड़कियों में कॉमन है कि ये सब में नखरा होता है कि मेरे से ज़्यादा प्यारे तो कोई लग ही नहीं ना, बाकी सारे फजूल है, मैं सबसे प्यारी हूँ। सर लड़कियाँ इकट्ठी जा रही हूँ, टेंशन लगी रहती है यार मैं अच्छी लग रही हूँ कि नहीं। हाँ हाँ जी, ऐसा ही होता है, ये ऐसे ही करती है ना कि साथ जा रही हो ना मेरे, तो इसको दो दफ़ा नहीं, गली में जितने भी मिरर लगे हो ना सब इसने चेक करके जाना होता है कि मैं प्यारी लग रही हूँ ना, मेरी मेकअप ठीक है, हर चीज़ ठीक है ना, तो फिर इसने जाना होता है। और उसके बावजूद इसने ना लिपस्टिक, वो जो दूसरी लड़कियाँ ना, इसने लिपस्टिक पॉकेट में रखी होती है, अभी भी ऊपर भी लगा रही थी, बार बार लिपस्टिक ही लगाती रहना कि लिपस्टिक कम ना हो जाए मेरे होंठों से। लड़कियों का नखरा करना बनता भी है, क्योंकि वो लड़कियाँ होती हैं, लड़कों ने नखरे करके क्या करना है। लड़कियों का बनता है कि यार मैं नखरा, हर एक अगर हर एक के साथ बात करेगी तो वो कैसे बात बनेगी, इसलिए वो एक ये बताएं इतनी स्मार्ट क्यों है? ये हमारे पीछे से ही विरासत में, मेरी पुप्पो और मेरी सिस्टर सारी जो हैं जितने भी बैकग्राउंड में सारे स्मार्ट हैं, लड़के और लड़कियाँ भी। हम नहीं, हम डाइट वगैरह कभी की? कभी नहीं की मैंने। जो लड़कियाँ स्मार्ट होती हैं खाना बहुत खाती हैं, ऐसे ही है? नहीं नहीं, मैंने तो वेट गेन के लिए भी टिप्स यूज़ किए, सारा कुछ किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एंड पे यही हुआ कि हमने ऐसे कैसे रहना, नहीं मोटे हो सकते। होना चाहती हूँ मैं, अब तो मैंने डाइटेशन भी एक रखा हुआ हमारे यूनिवर्सिटी में ना, वो जो डॉक्टर्स हैं उनमें एक हमने न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर जो है ना हमारा सीनियर है, उसके साथ फ्रेंडशिप किया। मैंने कहा मुझे ना कुछ बताएं, मैंने वेट गेन करना है, तो कहते बताएंगे। अब उन्होंने बताया हुआ, मैं बता देती हूँ, उन्होंने कहा है कि ना आपने जलेबी उसको ना दूध में भिगो के उसको खाएं, उससे आप मोटे हो जाते हैं, वेट गेन हो जाते हैं। मेरी टिप्स भी है सबके लिए, ये यूज़ करें, ये फ़र्क महसूस होता है ना। मेरे कज़न ने यूज़ किया हाँ, वो काश मेरे कज़न ने यूज़ किया, उसने कहा कैसे करने से वाकई होता है, तो करें हो जाता, अगर कोई मोटा होना चाहता है वो ये लाजमी यूज़ करें। तो लाजमी यूज़ करें, बिल्कुल ही स्मार्ट है, देखे सहारा ले के खड़ी हो। नहीं नहीं, वो सीधी तरह खड़ी हो ना। क्या क्या एज की? मेरी एज सच में बताऊँ? सच में बता दे, आज ये सच बोल ही दे। लड़के कहते हैं कि लड़कियाँ अपनी एज छुपाती हैं। मेरी एज 21 लग रही रही? नहीं लग रही, 19 की लग रही हूँ। नहीं 17 से ऊपर तो बताती नहीं है ना लड़कियाँ। नहीं नहीं, मेरी 21 है टोटल, मेरी 21 है, 2001 से ले, मेरी 2001 की पैदाइश और अब तक लगा ले 21 की हूँ मैं। एक लड़का एक लड़की को कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले उसे फूल लाजमी दे। मैंने देखा है लड़के जिसने, और उसके बाद गजरे दे। लड़कियाँ चूड़ियाँ और ये वगैरह
जो कहते हैं वॉचेस वगैरह पहनती रहती है, लेकिन मैं उनको गजरे दें वो बड़ी जल्दी इंप्रेस होती है और हमने ये चीज़ आजमाई। हाँ देखना रखना चाहिए इंसान को अपने अंदर थोड़ा एटीट्यूड रखे और वेयर ड्रेस हर टाइम दे उसको। मेरा ख्याल है ये सारा कुछ आपको मिल चुका है या फिर आप लेने की सोच नहीं है कि कोई दे? मुझे मिला तो नहीं, लेकिन ना मिलते देखा है मैंने, और लड़कियां देख ना छलांगे लगाना शुरू कर देती। ख्वाहिश है आपकी या आपकी इस तरह प्रपोज करें? जाहिर है शायद वो भी चाहे, हमने भी लड़का देख रखा है। घर वालों का क्या फीडबैक है? किसके लिए? जो लड़का देख लिया। अच्छा फैमिली जानती है उसको, फैमिली में से है, ठीक है मेरे ननियाल में से है, फैमिली जानती है सारा कुछ है, बस अल्लाह करे शादी हो जाए। अल्लाह करे वो प्रोग्राम देख ले और आपको फ्लावर लेंगे। डेरी मिल्क दे दी, उन्होंने फ्लावर्स ही दे दिए। उन्होंने सारा कुछ दे दिया मुझे।